लेकर अलीगढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई और भारी तादाद में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स यानी आरएएफ के अलावा पीएसी और सिविल फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। आपको बता दें कि आज से लगभग 6 दिन पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई थी और भिड़ंत के बाद पथराव फायरिंग लगातार हुई थी और जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर सहित आज 1 दर्जन लोग घायल हुए थे, जिन्हें आज भी हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। अब तक पुलिस ने लगभग 150 अज्ञात सहित 4000 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। बात आज जुमे की नमाज की जाए तो जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है और कुछ जगह धरना प्रदर्शन भले ही यानी कुआरसी थाना क्षेत्र में महिला पुरुष भारी तादाद में बाईपास जाम करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई है, जो बाईपास पर धरना चल रहा है वो कब तक खत्म हो पाएगा। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश।